फुल लाइट स्टार्ट साहब कैमरा शॉट वन टेक वन एक्शन जी जी भैया जी कल सुबह 10 बजे डिलीवरी हो जाएगी जी 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 भैया जी हाँ जी रखते हैं अरे इसको मिले जो पाले थे उस टेंशन से पल्ला झाड़ के दम 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 खुद से जो पाले थे उस टेंशन से पल्ला झाड़ के अच्छे खासे बने निठल्ले गम का पन्ना फाड़ के बन गए ऐसी छतरी अर बन गए ऐसी छतरी यार बन गए ऐसी छतरी कि जिसमें हजारों छेद हैं अरे माफ करना भैया असुविधा के लिए खेद है अरे माफ करना भैया असुविधा के लिए खेद है अरे माफ करना भैया असुविधा के लिए बचपन का दोस्त नहीं होता ना तू अरे मरता क्यों नहीं एक बार का तू जान छूटेगी हमारी चल समीर साले को यहाँ से फेंक देते हैं टेंशन खत्म करते हैं अबे एक्टिंग बंद कर मैंने तेरा दूसरा हाथ पकड़ा लगा तो उस हाथ पे ही ना तेरे को इंटर कनेक्शन है ना दोनों हाथों में है छोड़ रहे लगन सारी समीर सारी लगन डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया वो एडमिट कराते हैं ना अच्छा होता ना इतना समय नहीं है ना मरने वाला है तू बचपन से समय नहीं है तेरे पास हम पढ़ाई करते रहे और तू किसी के आम किसी के जूते एक लड़की की तो चड्डी चुराई थी लड़की की चड्डी नहीं छोड़ी तूने समीर वो पीली कलर की चड्डी पहनी थी ना कलर ना हमें बहुत ही पसंद है तुम जानते हो ना हम सब जानते हैं तू चोरियां करता रहा और तेरा इम्तिहान में पेपर हम देते रहे अभी भी देना है इम्तिहान डिलीवरी कुरियर कर देते लेटर्स दे नहीं जिंदा डिलीवरी जिंदा प्लीज मार दो हमको फेंक दो हमको वैसे भी उनके डिलीवरी नहीं मिली तो पोहा में चांद से मार देंगे एडवांस ले अरे पूछिए एडवांस रिटर्न करना नहीं धंधे में ऐसा नहीं होता है नहीं होता है समीर भैया जी कहा तो गोली खाकर कुत्ते की मौत होने चाचा है अपने दोस्तों के हाथ भर जाओ मार दो हमको बड़े सयाने बनते फिरते कर बैठे नादानी बेजोड़ दर्द है घुटनों में हुई ऐसी खींचातानी सारी इसमें बंदूक है और इसमें सिर्फ एक ही गोली है डराने के लिए खाली वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी रख लो और ये रहा इनविटेशन का एक दुल्हन की तरफ से और एक दूल्हे की तरफ से किसी का भी गेस्ट बन के अंदर घुस जाना ठीक है और ये रहा
क्लोरोफॉर्म। एक बार सुंघाते ही पूरे 3 घंटे तक आराम। हाँ, ज्यादा नहीं सुंघाना, नहीं तो पूरे 10 साल तक अंदर चले जाओगे। सारी मिया, हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। ये इतना सब प्लानिंग तूने किया कब से? पूरे 15 दिनों से फील्डिंग जमा कर बैठे थे, पर क्या करे, एक पैर एक आह एक हाथ साथ नहीं दिया ना, नहीं तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का काम था, बाएं हाथ। अच्छा, तेरे बाएं हाथ तो ठीक है, कर ले फिर, एलेगेंट, चल, चल। अरे भाई सुने ना, हम मजाक कर रहे थे। एक दुल्हन का शादी की रात किडनैप करना है और तू मजाक कर रहा है? समीर प्लीज भैया, भैया मान लो ना, प्लीज प्लीज भैया। दुल्हन का फोटो है? हाँ है ना, व्हाट्सएप करता हूँ ना, पहले पार्सल उठा लो फिर हमें फोन कर दो। पार्सल? पार्सल उठाने जा रहे हैं? लखन एक काम करते हैं, इसका दूसरा पाँव भी तोड़ते हैं ताकि यहाँ से हिले नहीं। अरे 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 करना भैया असुविधा के लिए खेद है। तेरी शादी है ना और तुझे सोना है? शादी है तो नींद नहीं आएगी, सारी रात जागना है माँ, और इसमें शुरू होने में भी तो अभी टाइम है, थोड़ा सा सोने दो ना प्लीज। हाँ भाभी सोने दो ना, दामाद जी बताने फिर कब तक सोने ना दे। क्यों जीजा जी क्यों नहीं सोने देंगे? तो चुप कर भाभी, चलो ना बेचारे का सोने दो 1 घंटा। चलो मैं सिस के साथ रुकती हूँ। देख उसे तंग बिल्कुल मत कर और तू नीचे चल और अपने जीजा जी को देख। नम्रता को रहने दो ना मम्मी प्लीज। और मैं क्या करूंगी उसको देख के? अच्छा ठीक है, तू आराम कर, ठीक है, चल चल। अच्छा नमस्ते, क्या कर रही हो? चलो दूल्हे को देखना है। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है। जय हो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, थैंक यू थैंक यू, बहुत ही अच्छा सजाया है। हाँ बेटी की शादी है मतलब। और ये ऊपर राइट में तीसरा कमरा बोला था ना उसने। काफी लोग होंगे अंदर, कबूतर भी ना, खुद तो कभी नहीं उड़ा लेकिन हमें जरूर उड़ाएगा। चल वापस चलते हैं यार। चलो मरने दो साले को। Thank you.
आपसे बात दोस्त है मेरा, उठाऊंगा ही। अरे इसका तो रोज का नाटक है, रोज गिरता है। तो रोज उठाऊंगा, रोज गिरेगा तो रोज उठाऊंगा। उठाना यार, दोस्त है अपना। दरवाजा बंद कर ले। आराम से, इतना इतना हिल क्यों रहे हो? हेलो, हाँ समीर, तेरे लिए उड़ा लिया रे हमने कबूतर पार्सल। अरे हमको पता था हमारे लिए ये काम हमारे दोस्त जरूर करेंगे। एक बार तुम आने दे वापस बस। अच्छा सुनो, अंदर वाले रास्ते से जाना ठीक है, और हमारे फोन का इंतजार करना। चलो रखते हैं। बबलू कबूतर बोल रहे भैया जी, पार्सल उड़ा ले। शांति पृथ्वी शांति। कन्या को बुलाइए। मैं हेलो ले लो राय स्पीकिंग। हम गाये तेरी राय ले ले बे, तू हमारी राय ले ले, समझा? कौन बोल रहा है? भैया जी बोल रहे हैं हम। भैया राठौड़ की बहू को किडनैप किया उसने। शूट एट साइट का ऑर्डर निकालो फौरन फौरन। संदीप जी आप फिकर मत कीजिए, रिटायर्ड हूं तो क्या हुआ, हूं तो पुलिस वाला ही ना। पापा मेरी दुल्हन आएगी ना? अरे लड़की की तरह क्या रोता है तू, आएगी वो जरूर आएगी। संदीप जी फोन उठाइए। हेलो स्पीकर। हेलो। बहुत समझदार हो रहा है, बहुत समझदार। भैया जी का नाम सुनते ही दौड़े आ, कर ली तसल्ली। भैया जी क्या क्या चाहिए आपको? अरे कुछ नहीं, 5 करोड़। 5 करोड़? अरे काहे को प्यारा, अरे 5 करोड़ कहाँ देना है, हम तुझे सुबह बताएं। हेलो भैया जी। अरे भैया जी, हेलो हेलो भैया जी। अरे समझी जी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, एक मिनट। क्या हुआ माँ? तू इधर आ। हेलो हेलो, दोबारा फोन आया उसका। भैया जी ने किडनैप कर लिया तेरी बहन को, होने वाले दुल्हन को। क्या किडनैप? भैया जी वो गुंडा। किडनैप करने वाले कोई साधु संत नहीं होते बेटा, वो गुंडे और डकैती होते हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सुन तो,
मुझे कर अपना नहीं मेरा तो नहीं है पिक अप द फोन सीज और पीछे से क्या रही लेकिन हम लोगों ने उसको फोन तो वही भेज दिया था यार से ऐसा कर तू गाड़ी रोक ठीक है अबे इसकी बॉडी के अंदर फोन है तू तो चेक कर नहीं रे पागल लड़की हो और फोन टेप हुआ तो जो भी हो मैं नहीं चेक करूंगा और तुझे भी नहीं चेक करने दूंगा गाड़ी चला जो होगा देखा जाएगा चल ठीक है फोन उठा ले सीस क्या कर रही है तू यहाँ क्या कर रही है मैं वो फोन किसे लगा रही थी मैं सीस के फ्रेंड्स को फोन लगा रही थी शायद उन्हें कुछ पता हो उनका तो मुझे मालूम नहीं पर मुझे लगता है कि तुझे जरूर कुछ पता है मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम बुआ अरे सुन समधी जी मैं संभाल लूंगा मैं हूँ ना मैंने कहा ना आपसे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अरे बेटा तुमने किसी को अंदर बाहर आते जाते देखा क्या नहीं अंकल नहीं और फिर ये टूटा हुआ मोबाइल भी तो यही है कोई और मोबाइल नहीं नहीं है? एक ही नंबर था उसके पास अरे 5 करोड़ रुपए चाहिए ना उसको दे दूंगा 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं अनिता अरे भाभी जी क्या हो गया हमारी बहू यानी आपकी बेटी के वहाँ पहुँचने से पहले मैं भैया जी को जेल से उठवा लूंगा पापा अच्छा। वो सिस के रूम से लेटर मिला है ये कैसे हो गया कैसे हो गया ये हो गया है आपकी बेटी का किडनैप नहीं हुआ है वो भाग गई है या मतलब मेरी बेटी का किडनैप नहीं हुआ है 5 करोड़ बच गया हमारे बच्चे भी पापा मेरी दुल्हन भाग गई और रो लड़कियों की तरह रोता रहे सारी जिंदगी भाई साहब अरे तेरी दुल्हन भाग गई है चल भाई साहब पापा कोट तो ले लो नया सिलाया है चल मेरे साथ अरे इधर आ अरे किसके साथ भागी है क्यों भागी है अरे नम्रता तुझे कुछ पता है नहीं पापा मुझे कुछ नहीं पता अरे जरा लेटर पढ़ो लेटर में क्या लिखा है पापा मम्मी सॉरी मैं ये शादी नहीं कर सकती मैं किससे प्यार करती हूँ शादी उससे करूंगी शादी के बाद मिलने जरूर आऊंगी भाई साहब मैं कहती थी ना लड़की हाथ से गई जितनी हो चश्मे के बाहर उतनी अंदर है अरे चुप करो बहना अगर वो भागी होती तो फिर भैया जी का फोन क्या आया अरे हमें बेवकूफ बनाने के लिए चलो ले लो बारात ले लो बोलो चिल्ला क्यों रहे हो तुम्हारा ही नाम ले लो राय ना अरे ले लो जिससे राय लेनी है मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को केस भी ठोकूंगा और पैसे भी वसूल करूंगा अरे चलो अरे मेरे भाई साहब ने क्या किया है केस उस पे ठोको ना जो घर से भागी है हाँ ठोकूंगा उस पर भी ठोकूंगा और इस पर भी ठोकूंगा चल वैसे भी जो हुआ है अच्छा हुआ आपके इस बेटे के लिए दूल्हा नहीं दूल्हा तुमने दूल्हा हाँ देखा तेरी वजह से क्या क्या सुंदर पड़ता है मुझे ठोकूंगा केस भी ठोकूंगा और पैसे भी वसूल करूंगा राठौर नाम है मेरा राठौर चल अरे जाओ जाओ हम भी रहे हैं जाओ हैं यहाँ मेरी लड़की चली गई है इनको हमने पैसे भी पड़ी हुई है हद हो गई अरे तुम रिटायर एसीपीओ मैं प्रेजेंट का आईएएस हूँ समझे कि नहीं ओके राय नाम है मेरा जब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो जाती सारे बराती यहीं रहेंगे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे अगर वो किडनैप हुई है तो उसको भैया जी के पास से छुड़ा के लाएंगे और इसी मंडप में शादी कराएंगे किससे दूल्हा तो गया अरे मिल जाएगा दूल्हा दूल्हों की कमी पड़ी है क्या हैं और अगर भाग गई होगी तो भी कराएंगे हटो यहाँ से Oh,
कैसी खतरनाक गाड़ी थी इसने, टायर गया। डिक्की खोल, स्टेपनी होगी। इसमें स्टेपनी भी नहीं है। लगा फोन कबूतर को। क्या हुआ? होगा क्या? घोड़ी पीछे सो गया होगा और क्या? मैं तो बोलता हूँ समीर, छोड़ इसे यहीं। अरे चलते हैं वापस। देख, अभी तक इसके घर वालों को इसके किडनैपिंग की खबर हो गई होगी। हाँ, मतलब अपने कबूतर की जान तो बच गई ना। हाँ, लेकिन ऐसी अनजान जगह पर अकेली लड़की, वो भी बेहोशी की हालत में। एक काम करते हैं, इसके हाथ पांव खोलते हैं, अकेली जंगल में। क्या यार, तू अकेली है ना जंगल में। अबे ये तो साथ रखा कर, रास्ते में कम आएगी। सही कह रहे हैं। के हीरो चले थे करने तन के फायर सायर, लगी पनौती बीच रास्ते फटा और फटा सपनों का टायर। बब्बर शेर समझते खुद को चले भेड़ की चाले, सच में सुने बब्बर शेर की चाले। हर लगे लुढ़कने ऐसे जैसे ये लोटे की पेंद हैं। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। बंदूक भी है लेकिन उसमें गोले नहीं है। अरे तूने डॉन फिल्म नहीं देखी क्या? हाँ, अमित जी वाली, उसे थोड़ा पता है। चल 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 हमने तुम्हें किडनैप किया है, फिर किडनैपर से। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी फोटो खींची है। क्यों 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 क्यों? तुम्हें मालूम नहीं, मेरे होने वाले ससुर रिटायर्ड एसीबी हैं। तो क्या हुआ? हम नहीं डरते, चुपचाप फोटो डिलीट करो और मोबाइल हमें दो। नहीं तो चला देंगे। समझी क्यों? किसे किसे मतलब? अरे बंदूक से, बंदूक है ना मेरे पास। अरे हंस रही है। अच्छा अच्छा, खाली बंदूक से गोली भी निकलती है। ओके चला लो। इसने भी तो सुन देखी है। By the way, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो किडनैप करके? बिहार बॉर्डर। बिहार बॉर्डर? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम लोग मुझे
नैनीताल लेकर चलो। हम नैनीताल क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं कह रही हूँ। हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? अरे किडनैपर तो हम है ना। अच्छा नहीं, असली भी है और इसमें गोली भी है। मैं चाहूँ कि तुम्हें मार कर जहाँ जाना है जा सकती हूँ। तुम लोग मेरा किडनैप करने आए थे, बचाव में मैंने तुम्हारी बंदूक छीन कर हिचकियाओ। फोन उठा बेढक्कन। हेलो। अबे कब से हम तुम्हें फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा था तुम्हारा। अच्छा ये बताओ डिलीवरी पहुंची क्यों नहीं अभी तक? डिलीवरी? अबे तू ही आ जाओ हमारा पार्सल लेने के लिए। पूती है, तूने तो चश्मे वाली दुल्हन उठाने कही थी, अबे ये तो कान वाली दुल्हन है। और तुझे पता इसने हमें तू गन वाली दुल्हन है, ये कौन है? ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, बोलो नैनीताल या अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। शिट। हेलो हेलो, हाँ नम्रता। थैंक गॉड सीज तूने फोन उठाया, कल रात से तुझे फोन कर रही हूँ, तो ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, फोन साइलेंट करके सो गई थी, वहाँ क्या हो रहा है? सब लोचा हो गया है, वो गुंडा वो भैया जी तेरे बदले 5 करोड़ मांग रहा है, बोले तेरा किडनैप करवाया है। हाँ रे मेरा किडनैप हुआ है। क्या? पर तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा है। स्टोरी है, फुर्सत में सुनाऊंगी। तूने कपिल के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? और याद से हाँ वो लेटर मत देना। दे दिया। इडियट, अच्छा मौका था ना? मैं क्या करती, मैं डर गई थी, वो मम्मी को हार्ट में ना। क्या मम्मी निकल गई? अरे नहीं सी, हार्ट में दर्द हुआ। यहाँ का माहौल तो सब तेरे पे आता ना। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, तू साइलेंट प्ले कर, मैं तुझे बीच बीच में फोन करती रहूंगी। लेकिन तू ये तो पता कि तेरा किडनैप हुआ या तू भागी है? अरे बाबा किडनैप हुई थी, अब भागूंगी। चाय ले लीजिए। मेरे मुंह में ठूस दीजिए, चाय ले लीजिए। सब की चाय कॉफी चल रही है, सब ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ साले हम ही यहाँ परेशान हैं अपनी बेटी के लिए। क्या मेरी बेटी की मुझे चिंता नहीं है? भैया जी का फोन। हेलो भैया जी प्रणाम, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था बस। क्या बात है, बड़ा जल्दी है पैसा देने की यार। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़ी चिंता हो रही थी, कह रही कि बेटी चली गई तो मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि एक बार जरा मेरी बेटी से मेरी बात करा देंगे आप, थोड़ा सा मुझे एहसास हो जाएगा कि वो सुरक्षित है। अरे तुमको भैया जी के जुबान पे भरोसा नहीं है? ना 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 ना, भैया जी नाम है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। अरे जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी, पर चक्कर क्या है ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया भैया जी, ये घर पर कागज मिला है मेरी बेटी के बिस्तर पर, इस पर लिखा है कि वो किसी से प्यार करती है, घर से भाग गई है, और उनको समझ ही नहीं आ रहा पूरे परिवार को कि बेटी भागी है कि किडनैप हुई है। वो क्या है ना कि किडनैप हुई तो ठीक है, वो आपके पास सुरक्षित है, जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी, पर अगर वो भागी है तो पता नहीं किस हाथ भागी है, कहाँ भागी है वो। बड़ा डर तो हो रहा भैया जी, हम तो बहुत कंफ्यूज आ गए बस। अरे तुम कंफ्यूज आ गए तो हमें काहे कर रहे हो? अरे रखो दोबारा मिलाते हैं। हेलो कार्तिक, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ? हाँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब तुम भी? क्या मैं भी भागी थी कभी? नहीं नहीं। अरे बोलो मानो। ये सब तुम्हारे यहाँ होता होगा। भैया जी पकड़ ठोक देंगे हमको। Ha 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 ha!
किडनैपर लगते हो नहीं? हाँ, किडनैपर नहीं है। तू तो शक्ल से ही डकैत लगता है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। वैसे बाहर से किसी से लिफ्ट लेंगे, कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट देख कर वहाँ से एसी बस करके सीधा नैनीताल। अच्छा, एसी में जाएंगे, गर्मी बहुत है ना, चेहरा काला पड़ जाएगा। पैसे नहीं है इतने। लुक के किडनैपर हो, पैसे हम देंगे, लेकिन सुनो, जब तक हम नैनीताल नहीं पहुंच जाते, अगर रास्ते में तुम दोनों में से किसी ने भी भागने की कोशिश की, बंदूक है तुम्हारे पास, गोली चला दोगी कनवाली तुलनिया। और अगर फिर भी भागे तो इसमें फोटो है तुम दोनों की, एसीपी ससुर को भेजूंगी, कम से कम 7 साल। हम आपको बाकायदा नैनीताल छोड़ कर ही जाएंगे। ओके, देन फॉलो मी। अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। क्या बे ढक्कन, क्या देख रहा है? सॉरी बहन जी। बहन को कोई ऐसे देखता है? नाम क्या है तुम्हारा? किडनैपर हो, नाम भी नहीं मालूम, ऐसे ही उठाने चले आए। वो जल्दी जल्दी में नाम पूछना भूल गए थे। बहुत जल्दी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, इसका नाम पब्लू कबूतर। मेरा नाम पप्पू कालिया। पूरा बोल। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा नाम पूरन देवी है। नहीं नहीं, कहने वाले दुल्हनिया ही सही है। हेलो हेलो, कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा था। मैं भी ट्राई कर रहा था, तुम्हारे ही नहीं लग रहा था। कहाँ हो तुम? सीतापुर। यहाँ से बस है नैनीताल के लिए, तुम कब तक पहुँचोगे? परसों। परसों क्यों? क्यों मतलब, फ्लाइट से आना है। आई एम इन यूएस। ओके, तब तक क्या करूँ? ठीक है, मैं घर जाती हूँ। नो नो। व्हाई, तुमने बताया नहीं? बताया है मेरी माँ, लेकिन मुझे आने तो दो। तुम एक काम करो, नैनीताल में मेरे दोस्त का होटल है, तुम वहाँ रुकना, मैं बोल देता हूँ उसे। नो, आई विल मैनेज, यू कम पास। ओके बाय। अरे सुनो तो। अच्छा, प्यार के चक्कर है? हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, और तुम लोग भी ले लेना, वैसे भी तुम लोगों को 2 दिन मेरे साथ रहना है, मेरे बाराती बनकर। परेशान मत हो, पैसे हम दे देंगे। क्या कर रहे हो, क्यों ले रहा है इतने कपड़े? अबे लेने देने यार, इसको क्या फोकट में झेलेंगे तुम, तुम ले लो कुछ। ए पप्पू, 2 जोड़ी। हाँ, शादी में नहीं आया मेरे, समझा? शादी में तो चोर है वो कबूतर। मुझे ना कपड़े ट्राई करने हैं, चलो। लेकिन लेडीज चल रूम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें है क्या? और वैसे भी तुम दोनों में से एक हमेशा मेरे साथ गिरवी रहेगा, समझे? चलो। मैडम, दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। अरे पति है मेरे, इनसे पूछे बिना मैं कपड़े फाइनल नहीं करती। कुछ इनर वेयर है, दिखाने आऊं क्या बाहर तुझे? हाँ चलो जी, आओ जी। टेंशन नहीं लेने का कनवाली दुल्हनिया, आई एम फीलिंग ऑकवर्ड। मुझे पता है तू शरीफ है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। क्या, कैसी लग रही हूँ मैं? ए शरीफ, आंखें खोलना। अरे ही
जैसी लग रही हूँ। ओ ढक्कन, कैसी लग रही हूँ मैं? ललन टॉप। क्या? ललन, सीतापुर बस स्टॉप चलते हैं, बस निकल जाएगी। ललन टॉप। बोलो भाई साहब, बाथरूम है, हल्का होना है। अरे 10 मिनट रोक लो ना भाई, आगे चल के चाय पानी के लिए रुकना है। पक्का? अरे पक्का कच्चा क्या होता है, रुकना है, तुम रोक लो। ठीक है ठीक है ठीक है। परेशान आगे 10 मिनट में गाड़ी रुकने वाली है, इसको उठा मत, मौका है, निकलते चल चल। पप्पू कालिया आगे 10 मिनट में जहाँ बस रुकेगी उसके बगल में पुलिस स्टेशन भी है, साथ में चलें। किडनैपर्स के साथ ढाबे पर चाय पीने रुकी हूँ। अच्छा ये बता, किडनैपर कौन है? एक किडनैपर ठीक है, दूसरा कमीना है। क्या कर रही है? पता नहीं सिस। पापा को यकीन हो रहा है कि तू भागी है। कैसे यकीन हो रहा है? जब से पापा ने तेरे भागने की खबर वो भैया जी को दिया ना, उनका फोन ही नहीं आया पैसों के लिए। देख अगर हर एक घंटे में तेरा फोन नहीं आया ना मुझे, तो मैं पापा को सब बता दूंगी कि तू भागी है और नैनीताल कपिल से शादी करने के लिए जा रही है। लेकिन तू बताना कि तू भागी है किडनैप हुई है। किडनैप होकर भागी हूँ, रात को फोन करूंगी, चल बाय। मेरी झूठी है। क्या? मैंने तुम्हारी किस ली? चाय ही तो है यार, चलता है। चलना ढक्कन। अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। पप्पू कालिया भाग गया है। क्या? ये तो पूरी बस भाग गई। अरे भागना तो मुझे था, इसकी माँ की, मुझे छोड़कर सभी भाग रहे हैं क्या? चलो बता दे। क्या हुआ? ए पप्पू, उठ गए आप लोग? मुझे तो लगा हमारी दुल्हनिया नैनीताल जाकर ही उठेगी। क्या हो रहा है, ये गाड़ी क्यों रुकी हुई है? आगे थोड़ी दूरी पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सुबह तक फुर्सत है। कल सुबह तक? रात यहाँ रोड पर गुजारेंगे क्या? कोई और रास्ता नहीं है। कैसे नहीं है? आओ कम बोलो मी। सुनो भैया, एक काम करो, एसी ऑन करो, मुझे अंदर सोना है। अगर एसी चलाएंगे तो डीजल खत्म हो जाएगा, फिर सुबह गाड़ी नहीं चल पाएगी।
तो क्या करें? आप लोग चाहो तो पास में 2 किलोमीटर पे एक सस्ता सा होटल है, वहाँ रात गुजार सकते हो। और तो 2 किलोमीटर कैसे पहुँचेंगे? ये आपको पता? कल हमें लिए बगैर जाना नहीं। हाँ चल पप्पू का लिए, चल चलो बैग तो उठा ले। फाइनली पहुंच गए। हाँ। चलो। हाँ बोलिए भाई साहब, 2 कमरे मिलेंगे? 2? सिर्फ 1 है। चलेगा, ये हमारे देवर पप्पू जी यही पास ही के सोफे पर सो जाएंगे। क्यों देवर जी? ये ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं सोऊंगा सोफे पर। सोफे पर भी सो जाऊंगा, आपकी आप क्या हो तो जमीन पे भी सो जाऊंगा। हाँ ये ज्यादा हो रहा है। किसके नाम पे रूम? मिस्टर एंड मिसेस बबलू कबूतर। बबलू कबूतर, ये क्या सर नेम है क्या? उड़ोगे कैसे है? तेरा नाम क्या है? मोहन कुमार परदेसी। तो हमारे देश में क्या कर रहा है? परदेश में जा रहा है। आधार कार्ड नहीं है, गाड़ी में बैग में है। और कोई आईडी? नहीं है। हम बिना आईडी का रूम नहीं देते हैं। अभी जो लेडी गई यहाँ से, उनकी कौन सी आईडी ली थी तूने? बता जरा, मुझे पता है ये तेरा चद्दर बदलू होटल है। दारू मिलेगी? मिलेगा ना। गनवली दुल्हनिया, मैं भी ये सोफे पर सो जाता हूँ। मेरा मतलब है हम दोनों एक ही कमरे में। क्या? तू मेरा रेप करेगा? मुझे चलेगा। 4,000। देवर जी सुबह रोड खुलेगा तो बता देना। चलो जी। आपकी भाभी पागल है क्या? पूछ रहे हो या बता रहे? एक बात बता रहे पट्टू, तेरी लड़कियों से सही में पटती है या सिर्फ तू मुझे इम्प्रेस कर रहा है? हाँ बट कोई चांस नहीं है। हाँ 2 दिनों में नैनीताल पहुंचते ही कपिल के घर वालों को मना कर कपिल से शादी। सॉरी। बहुत खुश है ना तू आज? बहुत। ले। मैं नहीं पीता। अरे तो मैं कौन सी बेवड़ी हूँ? ले। कभी कभी चलता है खुशी में दोस्त। दोस्त तो बोल सकती हूँ ना तुम्हें? माँ बाप को दुखी करके भी कोई खुशी मिलती है, ये पहली बार देख रहा हूँ। तुम उसका टेंशन एकदम मत लो। मेरे माँ बाप 2-3 दिन तक दुखी रहेंगे और फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद मैं वो शादी करती तो शायद मैं जिंदगी भर दुखी रहती। तो मना कर देती रिश्ते के लिए? पापा नहीं मानते, यू नो समाज में उनकी इज्जत प्रेस्टीज एंड ऑल। मजा तो तब आया जब पता चला कि लड़का डिफेक्टिव है। ना उसके घर वाले मान रहे थे और ना ही मेरे। फिर मैं क्या करती? कपिल से प्यार करती है। 8 महीनों से अफेयर चल रहा है हमारा। तो उसकी शादी में गई थी कानपुर, वहीं मुलाकात हुई। 4 दिन में प्यार। 4 दिन? प्यार तो एक पल में ही हो जाता है, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा और उसे भी। ए, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? देख झूठ मत बोलना। हाँ क्या बात है, कबूतर उड़ने के मूड में है भाई। संभाल। हाँ मूड बना के मेरे पे ही टूट मत पड़ना।
माई क्रिया खा के कहते हैं बहुत अमीर लड़की है, अरे एकदम सोने की चिड़िया है सोने की, अरे हम अपने हाथ से देखे बहुत महान लड़की है। देखो ये दारू पीके हो जाएंगे चल, उसके बाद लूट लेना और उसके बाद जो भी माल आएगा ना आधा तुम्हारा आधा हमारा, ईमानदारी के साथ समझ गए? कमरा नंबर 305 में दोनों है और नीचे एक सूता हुआ है समझे? पगामत, तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और तूने कभी सेक्स भी नहीं किया है। मैंने तो जिस दिन आई लव यू बोला उसी दिन कर लिया। तेरे जैसे मिले नहीं ना कभी, ना ही तेरे जैसे आई लव यू बोलने वाली, और ना ही चल आज की रात तुझे दी। किस लिए? तू मुझे तेरे साथ सेक्स करने के लिए रेडी कर, डर मत, अब मैं तुझ पे केस भी नहीं करूंगी। हाँ, रेप का? चल गई है लगता तुम्हें। शुरू मैं करती हूँ, खत तू कर। तुम सो जाओ। हाँ, कम सुन बदन को। सुन, मुझे नींद आ रही है, तू सो जा। पर तू है रे तू, फट्टू समझा? पास माल है ना, वो उनको चाहिए। वो तो मैं तुझे दे रही थी ना। वो माल नहीं, पैसे, सोना। कौनसे माल की बात कर रही है? वो मैं इसको अपनी गर्मी। शांति शांति, मैं बात कर रहा हूँ ना। ओके। इसके पास गन है ना? है। तो कौन है इसके पास? अरे हाँ, गन वाली दुल्हनिया। हाँ? आओ, माल लूटने आए थे तुम्हारे माल। तुम्हारा निशाना ठीक नहीं है, देखो कोई लगी नहीं रही। लाओ मैं चलाता हूँ। सालो ला, इधर ला। तेरे से भी नहीं लगेगी। आम तोड़ चैंपियन रहा हूँ मैं, एक पत्थर से कम दो आम तोड़ता था मैं। फिर भी नहीं लगेगी। अच्छा दीदी, अम्मा, बहन, हाँ जब माल लूटने आए थे तब आई तुम, अभी दीदी ए, चला, 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 चला।
लेकिन लगेगी नहीं। हाँ हाँ डरो मत। चैलेंज चैलेंज मैंने तो पहले ही कहा था नहीं लगेगी। कैसे लगेगी? नकली है। बंदूक भी और गोली भी। तो दिल ने कहा तय कर रहा था क्यों तन्हा सफर। हाँ खुशनुमा सी हुई जिंदगी जब से बने तुम मेरे हम सफर। पहली दफा जब नजर में तुम आए ठहरी हुई तब से मैं तेरी मुस्कुराहटों पे अपनी हर खुशी लुटा दूं। तुझको दूं एक हंसी हो खुदा मेहरबान। मैं तेरी चाहतों को अपनी जिंदगी बना लूं। जन्नत सी घर है तू गुजारा न होगा। मैंने किया खुद को तुझ पे फना कह दे तू क्या हमारा न होगा। दुआएं कर रहे हैं हम खुदा से आ मेरे सनम कि हो ना फिर कभी हम जुदा। आ दो दिलों की डोर यूं साथ ऐसे जोड़ दूं कि हो चलू मैं संग संग तेरे। मैं तेरी बाहों में समा तेरी बाहों में मिले मुझको दोनों जहां। मैं तेरी चाहतों को अपनी जिंदगी बना लूं। जन्नत सी घर है तू रहनुमा। क्या करूं मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई तो पापा को सब बताना होगा। हाँ और कल ही वो किडनैप हो गई। जी हाँ राठौर साहब के बेटे से। उस पर राठौर साहब ने रिपोर्ट करा दी। ऊपर से धमकी देते हैं कि वो मुझसे पैसा वसूल करेंगे। जी शादी का पैसा जो उनका खर्चा हुआ थोड़ा बहुत। जी हाँ पापा हैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि एक IAS अफसर की बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश में तो फिर कौन कौन सुरक्षित है बताइए आप। भैया जी का फोन स्विच ऑफ है। जी ना कॉल जाती है ना आती है। पापा क्या है तुझे भागना है? ओ जाओ 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 इसे छोड़ के बाहर जाइए। पापा स्विच ऑफ करके आइए। हाँ वो सिर्फ भागी है नैनीताल कपिल से शादी करने के लिए। नैनीताल वो भागी है। अरे माफ करना।
क्या हुआ हाथ में? कुछ नहीं रे, बस वह बिच्छू काट लिया। बिच्छू? साले बिच्छू ऐसे बोल रहा है जैसे चींटी ने काट लिया। ए, ए, गनवाली, क्या सोच कर रही हो? डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसे। यहाँ के डॉक्टर मेरे ससुर है ना, जंगल में है हम लोग। एसी भी है ना ससुर? चल ना, होने वाला बोलो उसको डॉक्टर अरेंज करो जंगल में। और नहीं तो तुम्हारी वो गन है ना जिसके तुम पर जान लेकर आई हो हमको, पूरा इंतजाम किया था इसने हमें ऊपर पहुंचाने को। बस हो गया रे, कुछ नहीं होगा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। सॉरी। क्यों? मेरी वजह से। लगता है आसपास कोई गांव है। हाँ।
कोई भी भक्त तो साथ ये। सुनिए अंकल, ये जो मेरे दोस्त हैं, इनको जंगल में बिच्छू ने काट लिया है। अरे? कोई डॉक्टर होगा यहाँ पर? घबराने की बात नहीं है, ये बाबा का दरबार है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। भवन, डॉक्टर को लेके जी। इनको ऊपर लेके जी, संभाल के, घबरा मत, कुछ नहीं होगा, संभाल के हैं, तकलीफ में है। अजय तुम यहाँ संभालो, तब तक मैं इनको देख लूँगा। आप टेंशन मत लीजिए, जहर बिल्कुल भी नहीं चढ़ा हुआ है। इसका मतलब बिच्छू बिल्कुल भी जहरीला नहीं था? क्यों, होना चाहिए था। वो जहरीला ही था, लेकिन जब ये अपनी माँ के पेट में थे उस समय इनकी माँ को किसी बिच्छू ने काटा होगा। ऐसे केस में उत्पन्न होने वाले बच्चे को उसका जहर नहीं चढ़ता। ऐसा भी होता है? सब बाबा की कृपा है। क्या हुआ समीर, कोई प्रॉब्लम है? मैं देख रहा हूँ जब से वो होटल वाला कांड हुआ है तो बदला बदला सा लग रहा है। कुछ नहीं रे। चल खाना खाते हैं। तू जा, भूख नहीं है। भूख नहीं है, चलना। तू जा ना यार, बोला ना नहीं है भूख। भूखा सुलाएगा दोस्त को भाई? अच्छा दोस्त मिले, एक के लिए लड़की उठाई, अरे दूसरे के लिए भूखा सो रहा हूँ। अरे सुन तो। चल मैं भी नहीं कहूंगा, चल लखन तू भूखा ही सो ले आज, भूखा ही सो तू आज बस। जिसे बिच्छू ने काटा वो कौन है तुम्हारा? दोस्त। सिर्फ दोस्त? अच्छा। खोयो? होटल रूम में? वो मजाक था हाँ? कुछ और सोच रहा था। सोचो, सोचना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब बाय द वे तुमने बताया नहीं साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी? बहुत लल्लन टॉप। यही कहा था ना तुमने मॉल में? लल्लन टॉप साउंड अच्छा करता है। अरे उफ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। चलो, भूख नहीं है, तुम जाओ। मुझे पता है तुम्हारी भूख कहाँ गई है। अब खाना खा के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ भी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो खाना खा लो। चलो। गुड बॉय कबूतर। तुमने इन लोगों को अपना नाम बताया कि नहीं? बबलू कबूतर उड़ेगा कैसे? ऐसे? कैसे उड़ेगा? शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, संकोच नहीं करते, आ जाओ। देखो बेटा, प्रसाद के लिए मना नहीं करते, साईं बाबा के भंडारे का प्रसाद है, आ जाओ। हमने कहा था ना बिटिया जाएगी तो लेकर ही आएगी। आज तूने एक दोस्त का भरोसा तोड़ दिया खाने के लिए। अरे तू तो दोस्ती के लायक ही नहीं है कबूतर, उड़ जा मेरे नजरों के सामने से, उड़ जा। सॉरी अंकल, भूख नहीं है। चले नौटंकी, बस खाना खाते हैं। अब मान भी जाओ, तैयार हो गया ना? चलना। चल यार, बहुत भूख लगी है। चल खाने खाते। एक मिनट।
मैडम ले लू एक तुम उसकी शादी कराने के लिए लेके जा रहे हो नैनीताल हैं? जी लेकिन उसके साथ शादी नहीं होगी उसकी तुम्हारे साथ होगी वो प्यार करती है कपिल से हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है अच्छा चलो अपने बताओ क्या तुम उससे प्यार करते हो नैनीताल पहुंचते ही शादी करने वाली है शादी तो वो कल भी कर रही थी तुम उठा के लाए ना शादी की रात अपनी कन वाली दुल्हनिया को हम कहाँ हैं और नैनीताल कितनी दूर है यहां से बात को टाल रहे हो हैं? बरेली में हैं आप लोग और यहाँ से नैनीताल 4 घंटे का रास्ता है आज की रात यहीं रहो आराम से हाँ जी क्या नाम बताया था तुमने जी काशी होटल जी होटल काशी हाँ हम देवेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं नींद नहीं आ रही है कबूतर का फोन बंद क्यों आ रहा है कहीं कुछ नहीं होगा उसे इसे तो हमने किडनैप किया है ना लोगों की नजर में यार सच बताऊं ऐसा लग रहा है कि कब इस मुसीबत की पोटली को नैनीताल फेंक दो समीर तुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना मुझे पता है बचपन का दोस्त हूं तेरे अगर प्यार हुआ है तो आई लव यू बोल दे कल वो नैनीताल पहुंचते ही कपिल के घर वालों को मना कर शादी करने वाली बहुत खुश है कपिल से शादी होगी ये सोच करी और तू देख ले भाई फिर मत बोलना कि तू उसने फीलिंग समझी नहीं गुड नाइट और कबूतर को ट्राई करता रहे मन लगा रहेगा शादी के बाद अपने पति के साथ एक बार यहाँ जरूर आना हमारी सलाह मानना ज्यादा नकारात्मक नहीं सोचना जय साई ओम साई राम जो भी होगा तुम्हारी इच्छा से होगा अच्छी तरह से जाना जी ये लीजिए ये लो लो चाबी लो लेकिन अंकल नैनीताल से लौटते समय तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए है ना चलो हाँ हाँ
शाबाश, संभाल के ज्यादा तेज मत चलाना गाड़ी। आओ। प्रणाम सिंह साहब जी, हमने तो इसे नौकरी से निकाल दिया है, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। एक मिनट मालिक, मालिक। सुनो सुनो, ये ले पप्पू पकड़, इसे तो सजा मैं दूंगी। अंकल चलेगा ना? चलेगा। अरे अरे अरे, चिल्ला क्यों रहा है? मैंने मारा क्या? चिल्ला क्यों रहा है? ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, गुंडे भेजेगा, कोई बात नहीं, गुंडे भेजेगा तेरी माँ से। इसको भी पूछ लो तेरा। हाँ? एक मिनट, इसको अंदर लेके जाओ, मैं देखता हूँ बाद में। और तुम लोग जल्दी निकलो, लेट मत करो, खुश रहो। ए पप्पू, लेडीज फर्स्ट, वैसे भी मैं हमेशा आगे बैठती हूँ, समझे क्या? आराम से चला ना गाड़ी। जी अंकल, थैंक यू गाड़ी के लिए, आपने अंकल बहुत प्यारे इंसान है। मैं देख रही थी ये बूढ़ा रात से तेरे साथ बहुत खुजूर खुजूर कर रहा था। हाँ, क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा था ना? नहीं। ओह शिट, क्या हुआ? टेयर्स ऑफ मिस कॉल यार, इसने सीन ना क्रिएट किया। हेलो। हाँ बोल, तेरे काफी मिस कॉल थे। अरे वो एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है ना, और फोन भी साइलेंट पे था। तू बता। पापा को सब बताया मैंने यहाँ पर। इडियट, फिक्र है मुझे तेरी सिस। अरे यार टफर, क्या हुआ? इडियट है मेरी बहन, उसे मम्मी पापा को सब बता दिया। समझदार है वो। तुम अपनी समझदारी ना अपने पास ही रखो, गाड़ी रोको। नैनीताल जा तो रहे, अब क्या? गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रोकी? मैंने कहा था गाड़ी रोकने। कहाँ जा रही हो? मरने आ रहे हो? मरने? अरे रोके से, अरे सही में मर गई तो हम दोनों तो गए। अरे रुको, अरे रुको गनवाली, अरे रुको, अरे पहाड़ों से कूदकर सही में चांद दे देगी ना गनवाली दुल्हनिया। रुको गनवाली, देखो ऐसा मत करो। हाँ, हम घर वालों से बैठकर बात करते हैं ना। हाँ, और एक बार शादी हो जाए फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अब प्लीज तुम सुसाइड मत करो प्लीज। सुसाइड? हाँ। कौन कर रहा था? तुम। कब? कब? अरे अभी तो तुमने कहा कि मरने जा रही हो। तू वारा नहीं है। पप्पू कह लिया, अकल बेच के आया है क्या? हाँ, बोलने की बात होती है। अच्छा नीचे देखो। दूगुद आगे और बढ़ती तो हमेशा के लिए आगे बढ़ जाती। तो गई क्यों वहाँ? अकेले में कुछ सोचने। इसमें सोचना क्या है? अच्छा तो है ना, घर वालों को पता चल गया है, सब सही हो जाएगा। तो मेरे बाप को नहीं जानते, वो जो नहीं करना होता वो करते ही है। अभी नहीं करना है तो जरूर करके मानेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है। चल भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड हैप्पी मैरिज लाइफ। तुम्हारे साथ गुजारे हुए 2 दिन जिंदगी भर याद रहेंगे।
पप्पू ले ओ कबूतर, दो दिन नहीं तीन दिन कपिल के घर छोड़कर जाओगे तुम मुझे? बात नैनीताल तक छोड़ने की हुई थी। अरे तो एक दिन यहाँ रुक जाओगे तो कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी वहाँ तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? ना तो तुम्हारी कोई मंगेतर है और ना ही गर्लफ्रेंड, फिर किसके लिए जा रहे हो? इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए तो नहीं रुक सकता ना यहाँ पे? क्यों ऐसा क्यों सोचूंगी मैं तो सिर्फ कल तक की बात कर रही हूँ। वैसे भी अगली बोर हो जाऊंगी मैं, प्लीज। सॉरी। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हाँ ला मैं भेजता हूँ, इसमें फोटो है ना हमारी, भेजता हूँ तेरे ससुर को जो नहीं हुआ। खत्म कर, बस हो गया। नहीं कनौल दुल्हनिया, सॉरी हाँ सॉरी इसकी तरफ से। एक दिन से क्या होगा, रुकते हैं ना। यूडी लड़की है, पागल है ये, सही में सेंड किया ना तो 7 साल के लिए अंदर। बात मान। ओके ओके, हाँ कल हम आपको कपिल के घर छोड़ कर ही जाएंगे। ओके यस, हाँ मेरे रूम टू। यस मैम प्लीज कम। मैं और पप्पू दोनों एक ही रूम में रुकेंगे। ओके ये रहा है, चल। पूछ। ओ कबूतर चल ना डांस करते हैं, चल। नहीं कर। कबूतर चल ना। समझ में नहीं आता क्या? छोड़ इसे, चल पप्पू चल, तू डांस करेंगे। चल ना, उसे क्या देखता है तू, वो कबूतर है, वो नाचेगा नहीं सिर्फ उड़ेगा। चल गया अपने आप को, हाँ मुझे अवॉइड करके आ गया, तेरा दिमाग 7वें आसमान पे है क्या? डांस ही करना चाहती थी ना तेरे साथ। जाओ नशा हुआ है तुम्हें, जाकर सो जाओ। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं सो जाऊंगी, तो मुझे छोड़ के क्यों आया पूछ इसे पप्पू। तुम जाओ जाकर सो जाओ अपने कमरे में, पप्पू लेके जाए नहीं। ये क्यों लेके जाएगा तू, तू जरूर ले जा। एक मिनट तू मुझे छोड़ कर क्यों आया? डांस ही तो करना चाहती थी ना तेरे साथ। मुझे लड़कियों के साथ डांस करना पसंद नहीं है। दोस्त माना था ना एक दूसरे को, तो दोस्त के साथ तो डांस कर सकता था ना। हाँ तू दोस्त नहीं मानता है ना? दोस्त नहीं मानता पता है मुझे, तेरी आंखें तेरा चेहरा साफ बताता है। क्या बताता है मेरे चेहरा? हाँ कल्चरल संस्कृति सभ्यता
हमारे देश की, हमारे समाज की। लड़के दोस्त हो फिर भी अपने दायरे में रहने की। कौन सी संस्कृति, कौन सा कल्चर? बंद कमरे में लड़की ने थोड़ा सा अपनी तरफ क्या खींच लिया, तेरे दिमाग में सेक्स वासना घुस गई। हाँ वासना, हाँ अपने जैसा समझ रखा है, चार दिन में प्यार, आई लव यू के साथ सेक्स। उस, अच्छा उस बात की तकलीफ हो रही है तुझे? हाँ मैंने किसी और के साथ सेक्स किया। हाँ देखा पप्पू। उस बात की तकलीफ हो रही है ना? बहुत तकलीफ हो रही है, देख देख पप्पू देख कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे क्यों होगी तकलीफ? हो रही है, बहुत हो रही है, देख इसके चेहरे से साफ दिख रहा है। तब भी जब से वहां से निकला है तब से इसका चेहरा उतरा है, तूने भी देखा ना पप्पू? हाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तू जा यहां से। हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ हो रही है तकलीफ, अब बोल। होती है तो हो, माय फुट। कल कपिल से मिलकर कल ही शादी करूंगी। गो बैक टू लखनऊ। शर्मिली राय फ्रॉम लखनऊ। नाइस मीटिंग यू मिस्टर समीर। जख्म दिया दिल को तूने मोहब्बत का एहसास देके छीन ली सांसे हमसे हमारी जीने की दुआ देके खुद से मिलता नहीं।
भाई यहाँ तो शादी का फुल माहौल बना हुआ है। अब हाय मम्मी पापा शर्मिली जीती रहो। कपिल किसकी शादी हो रही है? Hey, sis! दिया ना सरप्राइज। तू यहाँ? मुझे लगा ही था। हम भी हैं यहाँ। कोई टेंशन नहीं बेटा, आजा। आजा बेटा आजा। इतना अच्छा दामाद पसंद किया तुमने और हमें बताया तक नहीं। मेरी बेटी बता तो रही थी पर आप दोनों ही नहीं सुन रहे थे। हाँ हाँ कोई नहीं बेटा, मैंने बात कर लिया, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब सेट कर लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। आओ चलो। बिगाड़ दिया तूने। कैसे? उसका नाम शर्मिली है लेकिन शर्मिली बिल्कुल नहीं। आज से पहले सिर्फ 4 दिन मिले प्यार और 8 महीनों में शादी। 8 महीनों में कभी मिलना नहीं हुआ? आई लिव इन यूएस, आई मीन जॉब करता हूँ। सोच रहा हूँ शादी के बाद यहीं सेटल हो जाऊँ। थैंक्स। किस लिए? जब वो घर से भागी थी तब वो अकेले थी। उसने निकलते वक्त बताया था मुझे, क्या है बहुत फास्ट है ना। फास्ट जरूर है लेकिन ओरिजिनल है। She loves you. अब बता क्या करूं मैं? Sis, you are mad. पहले वाले से शादी करने के लिए दूसरे वाले को मंडप में छोड़ के भागी और अब जब पहले वाले से शादी हो रही है तो तीसरे से प्यार हो गया, वो भी सीरियस। प्यार का म्यूजिकल चेयर चालू है यहाँ पर। तू चुपचाप शादी कर ले सिस, वरना लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे। यहाँ मेरी लगी हुई है और तुझे अपने कैरेक्टर की पड़ी है। समझ अब हैप्पी खुश है मेरी बेटी? लेकिन पापा हमारे यहाँ तो लड़की को लड़की के घर जाकर शादी करनी होती है ना, वो शादी विदाई वाली रस्में एंड ऑल। कोई रस्म वस्म नहीं, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आई एम हैप्पी। मैंने कहा था ना उस राठौर से, तेरे ना होने वाले ससुर से, कि इन्हीं बरातियों के बीच में तेरी शादी करवाऊंगा। हो रही है क्यों जी? हाँ बिल्कुल। तू तो खुश है ना? गुड, तू तैयारी कर, मैं बाहर संभालता हूँ। आओ जी। यार ये मेरे पाप का ईगो क्यों बार बार बीच में आ जाता? क्या हुआ, सब ठीक? चल निकलते हैं यार, बहुत घुटन सी हो रही है। रुकते हैं ना, अब इतना रुके हैं शादी देखकर ही चलते हैं। अरे तू समझता क्यों नहीं है यार? समझता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। तू रुक, तू रुक, मैं भी आया। हाँ बुआ जी, बुआ जी, आया बुआ जी। बुआ जी आपसे एक अर्जेंट काम था। क्या अब शर्मिली कपिल से नहीं समीर से प्यार करती है? हाँ उससे शादी करनी है उसको। हाँ हे भगवान, भाई साहब का क्या होगा? अरे भाई साहब को मारो गोली। मतलब भाई अंकल को छोड़ो, शर्मिली आपकी भतीजी, उसके बारे में सोचो। उसने कहा इसमें से बुआ ही रास्ता निकाल सकती है। बुआ माँ से भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे और समझती भी है। सगी बुआ हूँ मैं, कोई
सौतेली माँ नहीं हूँ, प्यार करती हूँ उससे, तभी तो उसने कहा है ठीक है कुछ सोचती हूँ। फिर तो अब क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नम्रता तू बाहर जा, मुझे शर्मिले से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, मेरे सामने करो, पर्सनल है। मुझे पता है, तू हट। क्या वाकई तुझे समीर से प्यार हुआ है? तुम्हें किसने बताया? हुआ है कि नहीं? ओके, भाग जा। बुआ फिर से? हाँ हाँ, गुड आइडिया। लेकिन अब लेकिन क्या, वो प्यार करता है या नहीं ये नहीं पता। वो गया भाड़ में। बुआ तू उससे प्यार करती है ना, फिर वो तेरे साथ भागा तो ठीक, वरना तू उसे भगा कर ले जा। बात सिंपल, देख जो भी करना है जल्दी कर, एक बार गले में माला पड़ जाए फिर भाई साहब को तो मैं संभाल लूंगी। नहीं ना सिस, मेरे कैरेक्टर के तो लगने वाले हैं। तेरा हम बाद में देखेंगे, इस बार फाइनल है ना? हाँ फाइनल, डन। नम्रता चल जल्दी। बुआ आई लव यू, आई लव यू। नम्रता तू चल मेरे साथ और तू रेडी रह। आजा। कुछ पता नहीं यार, रुकते तो अच्छा लगता। हाँ यार, लेकिन काम जरूरी है, हमें नहीं पता था कि शादी आज ही होगी। दूल्हे की ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। कभी लखनऊ आओगे तो फोन करो। बाय कपिल, शादी मुबारक हो। चल बाय। हाँ समीर चले, एक बार शर्मिले से मिलकर आता हूँ। तू चल रहा? हाँ तू तो चलेगा नहीं, मैं मिलकर आता हूँ, तू वेट कर। बुआ। हाँ लखन। लखन क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ, क्या हुआ? आएगा आएगा, कहाँ जाएगा? मम्मी भाभी कहाँ जा रही हो? अरे वो शर्मिले से मिलने। वो है ना, अब कुछ काम नहीं। क्या हुआ, कहाँ ले जा रही हो? आएगा, टेंशन मत ले, हो जाऊंगा। अबे तू तो आने वाला नहीं था ना? चलता हूँ, बाय। कपिल अच्छा लड़का है, एक जगह रुक जा शर्मिली प्लीज, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरे डायलॉग सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। Do you love me? गन्नकली है। Do you love me? You love कपिल। Do you love me? आधे घंटे में तुम्हारी शादी है, बचपरा छोड़ो। कन्या को बुलाइए। मैं जाता हूँ, आइए आओ ना।
जब भी कन्या को बुलाने जाओ ये फोन पता नहीं काहे बज जाता है। देखिए ना, शर्मिली का फोन। शर्मिली? हाँ बेटा। सॉरी पापा, मैं नैनीताल में शादी नहीं करूंगी। लखनऊ में करूंगी, अब मैं अपने घर से ही विदा होऊंगी। क्या मतलब? अब आप बारात लेकर लखनऊ आ जाओ। एक मिनट, आ रहा हूँ। दूल्हे को साथ लेके आऊं? नहीं, अब दूल्हा तो मेरे साथ है। दूल्हा तेरे साथ है? अंकल, क्या खाते पैदा किया था? दूसरी बार भागी। हेलो शर्मिली। I'm sorry कपिल। ए ऑल द बेस्ट, लेकिन ये लास्ट हाँ। समीर जाओ अंकल, बारात लेकर लखनऊ वापस। सॉरी बेटा, सो सॉरी, क्या करूँ, पैदाइश, सो सॉरी। चलो 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 लखनऊ चलो, ये तो वहाँ से भाग जाएगी। हाँ बेटा, हमारे यहाँ पापा इज कमिंग। पापा आ रहे हो बेटा, भाग रही हैं। किसका फोन है? अननोन नंबर। हेलो हेलो लखन। अबे कबूतर, कहाँ था दो दिन से, और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे हमारा छोड़ो, कहाँ हो? भैया जी के लोग कुत्ते के तरह सूंघ रहे हमको। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे वो लड़के कहाँ है? कबूतर, मैं गनवाली दुल्हनिया बोल रही हूँ, जिसे किडनैप करने तूने तेरे दोस्तों को भेजा था। मैंने नहीं। मैं क्या कर रहा है, डर मत। और थैंक यू, कल मेरी और समीर की शादी है, सही से सज धज कर पहुँच जाना। आखिर तुम्हें और लखन को ही तो सब कुछ अरेंज करना है ना। और भैया जी का पैसा पापा को बोलकर हम दिलवा देंगे। आखिर तुमने उनकी बिटिया की शादी क्यों रचाई है? लखन, क्या सही बोले? सही बोले ना? हाँ बे, भाभी सही बोल रही है। चल बे ढक्कन फोन रख। हेलो हेलो, शर्मिली बोल रही हूँ, प्रणाम। हाँ शर्मिली बेटा, खुश रहो। हम आ रहे हैं बाबा का आशीर्वाद देने। समीर के साथ ना? जी सब बाबा की कृपा है। पता है, मैं बचपन से सपना देखती थी कि मैं भाग कर शादी करूंगी। कितने बार? सपना तो देखती थी एक ही बार भाग कर शादी करने का। लेकिन दो बार भागना पड़ा, कोई नहीं। शर्मिली बेट समीर, ज़्यादा उछल मत, अभी तक इसने आई लव यू नहीं बोला। ओ ढक्कन। अच्छा एक बात बता, अगर इसने शादी करने से मना कर दिया तो ले लो राय की बेटी हूँ, इन्हीं बारातियों के बीच में शादी करूंगी, समझा? किससे? तुझसे। चेले का कौन? झेल लूंगी। अरे तुझे झेलेगा कौन? अच्छा मुझे कौन झेलेगा? हाँ मुझे कौन झेलेगा? हाँ I love you Samir। से जो पाले थे उस टेंशन से पल्ला झाड़ के, दम दरा दम दम, दम दरा दम दम। खुद से जो पाले थे उस टेंशन से पल्ला झाड़ के, अच्छे खासे बने निठल्ले गम का पन्ना फाड़ के। बन गए ऐसी छतरी, अरे बन गए ऐसी छतरी, अरे बन गए ऐसी छतरी कि जिसमें हजारों छेद हैं। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया, असुविधा के लिए खेद है।
फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में लोकेशन ही भूल गए मंजिल की। अरे हुआ अटैक थोड़े सा यूं धड़कन रुक गई दिल की। चोर 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 मोसेरे भाई जैसी इनकी यारी, कभी लगे है बर्फ की सिल्ली कभी लगे चिनगारी। अरे मन को मार के बैठ कहते उस पे कीमत भेद है। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना भैया असुविधा के लिए खेद है। अरे माफ करना, अरे माफ करना भैया असुविधा के लिए खेद है।